वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास है, रूल नंबर 24, ठीक है। जैसे मैं इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, जैसे हमारे पास है डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, या फिर हमारे पास हो ए प्लस हमारे पास जैसे बी को स्क्वेयर एक्स हो, जैसे आप प्लस माइनस, ठीक है, या फिर हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ए साइन स्क्वेयर एक्स हो प्लस माइनस बी को स्क्वेयर एक्स हो, दोनों, ठीक है। मतलब ट्रिग हमारे पास डिवाइड में ट्रिग्नोमेट्री की इवन पावर हो, ठीक है, इवन पावर हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। तो इसका रूल है हमारे पास कि हम डिवाइड में ऊपर नीचे वी विल डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम ऊपर नीचे कोस के हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, हमारे पास है डी एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स प्लस टू साइन स्क्वेयर एक्स, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या है, डिवाइड में इवन पावर, ठीक है, तो कोस क्या यस पावर से डिवाइड करेंगे, कोस क्या यस पावर कितनी हमारे पास, टू, मतलब डिवाइड बाई कोस स्क्वेयर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ऊपर वन बाई को स्क्वेयर एक्स, वन बाई को स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वेयर एक्स, ठीक है। नीचे क्या होगा, को स्क्वेयर एक्स से डिवाइड, मतलब को स्क्वेयर एक्स बाई को स्क्वेयर एक्स वन प्लस टू, क्या होगा, साइन स्क्वेयर एक्स बाई को स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और डी एक्स। तो क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर है सेकेंड स्क्वेयर एक्स और नीचे क्या, वन प्लस टू साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब फिर से वही कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो पुट किसको करेंगे, टेंजेंट एक्स को, टेंजेंट एक्स को क्या पुट करेंगे, टी, और टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स टी का डी टी बाई डी एक्स, वो डी एक्स यहां पर, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, हम इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के, मतलब डी टी डिवाइड बाई क्या होगा, वन प्लस टू, और क्या साथ में टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, टेंजेंट एक्स टी है, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स मतलब टी का स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना है, डी टी डिवाइड बाई वन प्लस टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, अब जैसे अगर हमारे पास सिंपली नीचे होता वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर तो डायरेक्ट होता टेंजेंट इनवर्स टी, लेकिन क्या है यहाँ पर टू, ठीक है, तो मतलब डिवाइड में क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूले, किस चीज के थे कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन निकालना उसका कोफिशियंट वन हो, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले कोफिशियंट प्लस वन बनाएंगे, ठीक है, मतलब कि डी टी डिवाइड बाई नीचे से टू कॉमन, टू कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास, वन बाई टू प्लस टी स्क्वेयर, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन हो वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब क्या हमारे पास है, डी टी डिवाइड बाई, फिर सेकंड रूल क्या था उसमें कि दोनों का स्क्वेयर हो, अब जैसे वन बाई टू है तो वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम, वन बाई रूट टू का होल स्क्वेयर, इस प्रकार से, ठीक है, वन बाई रूट टू का होल स्क्वेयर। अब क्या हमारे पास, डी टी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है, ए क्या है यहाँ पर, वन बाई रूट टू। तो इसका हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले से क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर वन बाई ए, मतलब वन बाई ए का मतलब, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में तो टी बाई ए, ए क्या वन बाई रूट टू प्लस सी। तो क्या होगा,
अब जैसे रूट टू है, टू को क्या लिख सकते हम, रूट टू इंटू रूट टू, एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल, क्या बचा, वन बाई रूट टू। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स। अब नीचे रूट टू है तो ऊपर मल्टीप्लाई में होगा, रूट टू इंटू टी को फिर से वापस पुट करेंगे, टी क्या था, टेंजेंट एक्स, मतलब रूट टू इंटू टेंजेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इस टाइप से हो तो। ठीक है, मतलब इस टाइप, इस फॉर्म की हो तो हमारे पास फंक्शन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट कोट एक्स, ठीक है, माइनस रूट टेंजेंट एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, टेंजेंट एक्स दो टर्म है, ठीक है, तो इनका डायरेक्ट तो होगा नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है रूट का मतलब। ठीक है, तो क्या होगा, अब सबसे पहले जब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी ना, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो उसको साइन और कोस में बदल लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, अब क्या है, कोट एक्स किसके इक्वल होता है, कोस बाई साइन, मतलब क्या होगा हमारे पास, रूट कोस एक्स ऊपर नीचे रूट साइन एक्स। ठीक है, माइनस टेंजेंट कोट का रेसिप्रोकल, मतलब साइन एक्स ऊपर और कोस एक्स नीचे, और साथ में इसका रूट है। ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, नीचे एलसीएम, हमारे पास नीचे एलसीएम होगा रूट साइन एक्स रूट कोस एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब कि दोनों ही पावर 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कोस एक्स का रूट, इस प्रकार से। ठीक है, अगर पावर सेम हो तो तभी लिख सकते हैं, अलग अलग में नहीं। और ऊपर क्या होगा, अब रूट कोस एक्स इंटू रूट कोस एक्स क्या होगा, सिंपली कोस एक्स माइनस रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो हमें पता है कि जैसे नीचे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मल्टीप्लाई है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टू इंटू, ठीक है, मतलब कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, टू ओ, ठीक है, मतलब कि रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, रूट टू। ठीक है, अब जैसे नीचे है रूट ऑफ टू साइन एक्स कोस एक्स है, जैसे नीचे क्या हमारे पास टू साइन एक्स कोस एक्स का रूट है, तो क्या बनेगा, साइन टू एक्स का रूट। ठीक है, लेकिन जब इसको पुट करेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास टू साइन एक्स कोस एक्स, मतलब रूल है हमारे पास रूल नंबर 25। ठीक है, अगर रूट में अगर साइन आ जाए, ठीक है, इफ साइन थीटा हो या एक्स हो, साइन एक्स एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे टू एक्स हो कुछ भी हो, ठीक है, साइन एक्स कम्स इन रूट, ठीक है, मतलब स्क्वेयर रूट, देन वी विल ट्राई फॉर फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वेयर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, ताकि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाए। ठीक है, अब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर हो, मतलब कि अगर हमारे पास स्क्वेयर रूट में साइन एक्स हो तो वन भी होना चाहिए, तो साथ में वन भी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है रूट टू, ऊपर तो है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, अब नीचे हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ टू साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स के साथ क्या हो, वन हो, अब वन नहीं है तो वन ऐड कर लेते हैं और वन सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स है, ठीक है, किसके इक्वल होता है, वन के। ठीक है, अब जैसे हमारे पास वन को पुट करेंगे, ठीक है, अब वन तो दोनों है, वन एक प्लस का एक माइनस का है, अब कौन से को पुट करेंगे, अब जैसे ऊपर क्या हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब अगर न्यूमरेटर में माइनस का साइन हो तो प्लस वन, नीचे प्लस वाले को पुट करेंगे और ऊपर प्लस का तो नीचे माइनस का। ठीक है, अब जैसे क्या होगा हमारे पास रूट टू,
रूट कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ वन को क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स यहां पर, ठीक है, और प्लस टू साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला बनाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर, और साथ में क्या हमारे पास माइनस वन, ठीक है। अब पुट पुट किसको करेंगे, कौन किसका डिफरेंशिएशन है, मतलब मैक्सिमम चांस तो नीचे वाले को पुट करते हैं, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स किसके इक्वल, टी के। अब इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, और टी का डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, हमें किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, रूट टू तो साथ में है, अब कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के। नीचे क्या हमारे पास, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट किया था हमने, तो क्या हमारे पास टी स्क्वेयर माइनस वन इस प्रकार से, ठीक है। अब फिर से वही बेसिक फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन निकालना उसका कोफिशियंट प्लस वन हो वो पहले से है, और उसमें सेकंड रूल क्या था कि दोनों का स्क्वेयर हो, मतलब वन का, वन को क्या लिख सकते हम, वन का स्क्वेयर इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला में पता है कि क्या होता है, तो क्या होगा यहाँ से हमारे पास है जैसे रूट टू, तो क्या होगा हमारे पास रूट टू तो एज इट इज, ठीक है, इंटू क्या हमारे पास वन अपॉन रूट टी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो क्या होता था लोग वहां पर था एक्स प्लस, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो टी प्लस एज इट इज, मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ टी स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर वन इस प्रकार से, ठीक है, प्लस सी। तो क्या होगा अब टी की फिर से वापस वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, रूट टू लॉग ऑफ किसका, टी क्या हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, और प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ टी स्क्वेयर माइनस वन, यहां पर क्या लिखेंगे टी की जगह साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर, और किसके बराबर होगा, अब जैसे यहां पर हम लिखेंगे प्लस, जैसे टी स्क्वेयर माइनस वन का रूट है, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर रूट होगा, ठीक है। अब इसको अगर आप फॉर्मूले के खोल लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स वन, और क्या होगा हमारे साथ, हमारे पास है टू साइन एक्स कोस एक्स का रूट, मतलब जो जहां से हमने निकाला था वही चीज होती है वापिस से, प्लस सी। तो इस प्रकार से हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि रूल का मतलब वैसे कोई रूल नहीं है, रूल का मतलब है एक चीज को याद रखने के लिए, ठीक है, मतलब अगर इस टाइप से हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो इंटीग्रेशन में, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल, मतलब कि याद रखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।